असलकम दोस्तों क्या हाल है आपके मैं उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अहबाब खैरियत से होंगे तो प्यारे दोस्तों आज चलते हैं आज के रिश्ते की तरफ तो ये रिश्ता जो है पाकिस्तान के सिटी गुजरावाला से है तो ये जो ख़ातून है इस वक्त गुजरावाला में रहती हैं जिनका रिश्ता मैं आपको बताने जा रहा हूँ तो ये रिश्ता उन अफराद के लिए है यानी कि उन मर्दों के लिए है उस भाई के लिए मर्द के लिए जिसकी उम्र इस वक्त बावन साल तक हो यानी कि फिफ्टी टू ईयर तक हो इससे ज़्यादा ना हो और चाहता हो पहली दूसरी या तीसरी शादी करना तो रिश्ते की मज़ीद तफ़ील में चलते हैं इससे पहले हमारी छोटी सी गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आईकॉन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर नई से नई रिश्तों के बारे में अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचती रहे दोस्तों, ये जो खातून हैं जिनका रिश्ता मैं आज लेकर आया हूं इनकी उम्र जो है वो इस वक्त फोर्टी सेवन ईयर यानी के सैतालीस साल है और ये एक तलाक याफ्ता खातून हैं, डाइवोस हैं यानी के छह साल का जो है इनके मुताबिक जो है हो गया है इनका जो है शोहर से अलहदा हुए इनका तलाक हुए तो इसके अलावा इनकी एक बेटी एक बेटा दो बच्चे हैं दोनों इनके साथ ही रहते हैं इस वक्त मुसलमान हैं ये फिरका जो है वो सुन्नी है इनकी जो कास्ट है राना बरदरी से ये ताल्लुक रखती हैं तो इस वक्त ये अपने वालदेन के घर पे रहती हैं तालीम इनकी मैट्रिक है पाँच फुट दो इंच इनकी हाइट है यानी कि कद है और जो इनका जो है इनका वेट है वो सिक्सटी फाइव के जी यानी कि पैंसठ किलोग्राम है देखने में खूबसूरत हैं अच्छी फैमिली से हैं तो अभी जो है इनके वालदे जो हैं वो चाहते हैं कि अपनी इस बेटी की दोबारा से शादी कर दें तो इनके जो बच्चे हैं यानी कि खातून के जो बच्चे हैं वो शादी के बाद इनके साथ नहीं जाएंगे यानी कि अपने जो है नाना नानी के घर पे रहेंगे ये बात मैं आपको पहले ही बता दूं तो इसके अलावा जो है इससे जो है वो हमारे दोस्त मर्द हजरात जो पहली या दूसरी या तीसरी शादी करना चाहते हों पाकिस्तान के किसी भी शहर में रहते हो ज़ात बरदरी कोई भी हो और शादी के मामले में बिल्कुल सीरियस हो तो वो रा कर सकते हैं राता करने के लिए आप जो है अपनी तमाम तफसी के साथ अपना जो है व्हाट्सएप का नंबर वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें हम बहुत जल्द आपसे रापता कर लेंगे अगर आपके नसीब में हुआ तो यह रिश्ता जरूर आपके लिए खुशियाँ लाएगा इसी के साथ हमें इजाजत दें अल्लाह हाफिज़